तो आज हम आए हैं चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पे। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन ये वही स्टेशन है फ्रेंड्स जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसी स्टेशन के जस्ट बगल में हुआ था। आप वो जो सामने एक बिल्डिंग जैसी, एक दीवार जैसी देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है चौरी चौरा कांड का स्मारक, जो हमारे शहीदों ने अपनी जान गंवा दी केवल देश को आज़ाद कराने के लिए। ये उन्हीं की याद में बनाया गया स्मारक है और उन्हीं के नाम पर, ये देखिए उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक प्लेस का नाम है, इस जगह का नाम है। और यहीं पर कांड हुआ था जब हमारे सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो हमने सोचा आज ये फ्रेंड्स चौरी चौरा स्टेशन का ब्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि ये स्टेशन कैसा है, कितने प्लेटफॉर्म हैं और कहाँ की ट्रेनें यहाँ पर आती है और ये स्थित कहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं चौरी चौरा स्टेशन के मेन गेट पर, यानी कि अंदर चल रहे हैं। मेन गेट पर आप जैसे चलेंगे फ्रेंड्स, तो ये मेन गेट का रास्ता है, आपको अभी ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह है। लेकिन आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा उतनी अच्छी रास्ता नहीं बनी है और कैसी रास्ता बनी है फिलहाल आप देख लीजिए। उतना अच्छा नहीं बना है बाहर का व्यू। इस तरफ देखिए घना जंगल जैसा है, घना जंगल मतलब ये देखिए पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं। और जस्ट आगे थोड़ा सा आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये है चौरी चौरा का स्टेशन। देखिए बोर्ड देखिए सामने लिखा हुआ है चौरी चौरा। फ्रेंड्स फिर एक बार आपको बता दूँ कि ये चौरी चौरा जगह का नाम है और यहीं पर वो कांड हुआ था, तब से ये चौरी चौरा हम अपने इतिहास में भी पढ़ते हैं। और ऐसे अगर कोई बात कर दे तो ये भी जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को, यानी कि 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर वो घटना हुई थी। इसकी अगर जस्ट इस तरफ देखें फ्रेंड्स, तो वैसे ही बना हुआ नॉर्मल, ज़्यादा उतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। और इस तरफ फ्रंट देखिए, ये जूम करके हम दिखा रहे हैं, ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर इस जगह भी है और अंदर जाएंगे तो अंदर भी टिकट मिलने का मतलब सिस्टम बना हुआ है। वो देखिए ट्रेनें आ जा रही हैं और इस तरफ अब हम अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स। अंदर आके अब आपको समझाते हैं कि देखिए जिस तरफ ट्रेन जा रही है, इस तरफ से वाराणसी, बनारस, आजमगढ़ वगैरह की ट्रेनें आती हैं और ये जो ट्रेन जा रही है ये वाराणसी की तरफ जा रही हैं। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अभी आपको बताने वाले हैं कि कितने प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ पर किस किस तरफ की ट्रेनें आती हैं और ये कहाँ पर स्थित है। देखिए सीटों में चौरी चौरा लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेशन है, स्टेशन के हर एक चीज़ पे चौरी चौरा लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसके जस्ट सामने ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, यानी कि इस तरफ से क्रॉस करने के लिए उस तरफ जाने का। फ्रेंड्स इसके जस्ट पीछे से अगर हम आपको दिखाएँ तो देखिए इसमें प्लेटफॉर्म की संख्या 2 है, 4 पटरियाँ हैं लेकिन प्लेटफॉर्म की संख्या 2 है, एक ये जो हम खड़े हैं और एक वो उस तरफ जो आपको सामने देखने को मिल रहा है। और उसी के जस्ट सामने वो देखिए स्मारक, यही वो स्मारक है फ्रेंड्स जहां पर 4 फरवरी 1922 को उन 19 अंग्रेज पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, यहीं पर वो घटना हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि ये चौरी चौरा स्थित कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स हम ट्रेन से चल रहे हैं और हम गोरखपुर से गए थे चौरी चौरा। फ्रेंड्स ये चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत आती है। गोरखपुर शहर से या फिर ये कहें कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ये मात्र 27 यानी कि 27 किलोमीटर दूर है। तो अब आप समझ गए हैं फ्रेंड्स कि चौरी चौरा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। और फ्रेंड्स अगर डीपली समझना है चौरी चौरा स्मारक के विषय में तो मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।